आज पूरे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर मतदान किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से लेकर लगातार हिमाचल प्रदेश में मतदान केंद्रों पर लोग आकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जहां महिला और पुरुष अपना मत का प्रयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रांसजेंडर भी विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सोलन जिला के अगर बात की जाए, यहाँ विधायक चुनने के लिए 85,890 मतदाता अपने मत का प्रयोग आज करने वाले हैं, जिसमें से थर्ड जेंडर में अपने मत का प्रयोग करेंगे। जिले भर में 10 ट्रांसजेंडर हैं, वहीं सोलन विधानसभा सीट में 3 ट्रांसजेंडर हैं, जिनमें से 2 ने शहर के डिग्री कॉलेज सोलन में अपने मत का प्रयोग किया। मतदान करने आए ट्रांसजेंडर प्रिया महंत का कहना था कि सरकार बनाने में युवाओं को नशा छोड़कर मतदान करने के लिए सबसे पहले आगे आना चाहिए। सरकार बनाने में सभी का सहयोग जरूरी है। जब लोकतंत्र में मत का प्रयोग किया जाएगा, तभी एक बेहतर सरकार अपने सामने आएगी जो उनके लिए विकास कर सकती है। मेरा नाम प्रिया महंत है, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और यहाँ डिग्री कॉलेज के पास ही मैं रहती हूँ। मेरा डेरा है रत्नी रानी के नाम से। पहले वो मेरे यहाँ भूतपूर्व पार्षद थे, अब मैं हूँ यहाँ पर, तो मैं उनकी चेला हूँ। मैं यहाँ वोट डालने आई हूँ। ये वोट हमारा संवैधानिक हक है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे ही गुजारिश है, न्यू जनरेशन से भी, ओल्ड से भी, सबसे, सभी जेंडरों से, मेल और फीमेल एंड ट्रांसजेंडर जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं, उनका ये संवैधानिक हक है कि वो अपना मतदान ज़रूर करें। लोगों को, सबको, नौजवान साथियों को यही प्रार्थना करती हूँ कि नशा छोड़ के मतदान के अंदर आवे। इनके संविधान में जो आपका हक है, इसे अपने राइट को गंवावे ना। हमने जी अपने देश के विकास के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए, एक अच्छी सरकार के लिए हम ये मतदान किया है। विधायक होना चाहिए जो कम से कम गरीबों का ख्याल रखे, जी जरूरतमंदों का खास रूप में काम आवे और सुख दुख का साथी हो। बदलाव तो खैर जो बहुत कुछ हुआ, मगर जो बदलाव हम चाहते थे वो ऐसा बदलाव किसी ने नहीं किया। गरीबों का तो कोई खास ख्याल रखता नहीं, खासकर सोलन का तो विकास के नाम को आई नहीं कुछ भी। युवाओं से हम कहते हैं कि युवा पीढ़ी आए, कुछ विकास करे, कुछ आगे बढ़े। अब जवानों को राज भी देखना बाकी है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर मतदान किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से लेकर लगातार हिमाचल प्रदेश में मतदान केंद्रों पर लोग आकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जहां महिला और पुरुष अपना मत का प्रयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रांसजेंडर भी विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सोलन जिला के अगर बात की जाए, यहाँ विधायक चुनने के लिए 85,890 मतदाता अपने मत का प्रयोग आज करने वाले हैं, जिसमें से थर्ड जेंडर में अपने मत का प्रयोग करेंगे। जिले भर में 10 ट्रांसजेंडर हैं, वहीं सोलन विधानसभा सीट में 3 ट्रांसजेंडर हैं, जिनमें से 2 ने शहर के डिग्री कॉलेज सोलन में अपने मत का प्रयोग किया। मतदान करने आए ट्रांसजेंडर प्रिया महंत का कहना था कि सरकार बनाने में युवाओं को नशा छोड़कर मतदान करने के लिए सबसे पहले आगे आना चाहिए। सरकार बनाने में सभी का सहयोग जरूरी है। जब लोकतंत्र में मत का प्रयोग किया जाएगा, तभी एक बेहतर सरकार अपने सामने आएगी जो उनके लिए विकास कर सकती है। मेरा नाम प्रिया महंत है, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और यहाँ डिग्री कॉलेज के पास ही मैं रहती हूँ। मेरा डेरा है रत्नी रानी के नाम से। पहले वो मेरे यहाँ भूतपूर्व पार्षद थे, अब मैं हूँ यहाँ पर, तो मैं उनकी चेला हूँ। मैं यहाँ वोट डालने आई हूँ। ये वोट हमारा संवैधानिक हक है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे ही गुजारिश है, न्यू जनरेशन से भी, ओल्ड से भी, सबसे, सभी जेंडरों से, मेल और फीमेल एंड ट्रांसजेंडर जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं, उनका ये संवैधानिक हक है कि वो अपना मतदान ज़रूर करें। लोगों को, सबको, नौजवान साथियों को यही प्रार्थना करती हूँ कि नशा छोड़ के मतदान के अंदर आवे। इनके संविधान में जो आपका हक है, इसे अपने राइट को गंवावे ना। हमने जी अपने देश के विकास के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए, एक अच्छी सरकार के लिए हम ये मतदान किया है। विधायक होना चाहिए जो कम से कम गरीबों का ख्याल रखे, जी जरूरतमंदों का खास रूप में काम आवे और सुख दुख का साथी हो। बदलाव तो खैर जो बहुत कुछ हुआ, मगर जो बदलाव हम चाहते थे वो ऐसा बदलाव किसी ने नहीं किया। गरीबों का तो कोई खास ख्याल रखता नहीं, खासकर सोलन का तो विकास के नाम को आई नहीं कुछ भी। युवाओं से हम कहते हैं कि युवा पीढ़ी आए, कुछ विकास करे, कुछ आगे बढ़े। अब जवानों को राज भी देखना बाकी है।